एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं ये ध्यान से देख लो। जैसे कोई नंबर है, ये तीन नंबर हैं 4, 8 और 12, जिससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 4, 8, 12 इनको लिख देंगे और फिर देखेंगे कि ये तीनों किस एक नंबर से या कोई किस नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 से, तो 2 2 जा 4। अब 8 हो रहा है क्या 2 से? अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो एज इट इज उतार देंगे। हो रहा है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब फिर अब ये 2 से हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं तो 2 से करेंगे, 1 तो हो रखा है इसको छोड़ देंगे, 2 1 जा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, फिर 3 1 जा 3। अब एलसीएम क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं 2 2 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, कितनी बार है 2, 1 2 3, इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ तक। फिर इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ तक 8 हो गया। फिर इस 8 को किससे करेंगे, 3 से, तो 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 24 इज इक्वल टू 24। ये इसका इस तरीके से निकलेगा, यहाँ तक जो आया उसको लिखा, फिर इसको जो लिखा इसको अगले से करेंगे, फिर इसको यहाँ तक इसको लिखा, फिर इसको ये आया इसको अगले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 हो गया। जैसे ये कोई नंबर है, इसको एलसीएम निकालना, कैसे निकालेंगे, 2 5 6, 2 1 जा 2, 5 2 की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। 6 आ रहा है 2 की टेबल में, 2 3 जा 6। अब फिर नंबर देखते हैं 3 से, 5 तो हो नहीं रहा है तो 5 को नीचे उतार देंगे, 3 1 जा 3। फिर 5 से, 5 1 जा 5, तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 3 जा 6। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, तो एलसीएम कितना रहेगा, ये 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 आएगा।